हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं बाना मार्बल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम चकडूंगरी की जो स्टार्टिंग प्राइस का मटेरियल आता है और जो वाइटनेस के अंदर मटेरियल आता है उसकी फ्लोरिंग मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो नीचे का जो आप पोर्शन देख रहे हैं उसमें चकडूंगरी के ही कट पीसेस लगाए हुए हैं जिनकी साइज 12x4 inches है। और जो स्टेयर्स के अंदर जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये चकडूंगरी की स्लेब का मटेरियल है। और कंप्लीट जो पॉलिशिंग आप देख रहे हैं इस पर कोई भी मिरर पॉलिशिंग नहीं कराई गई है, नॉर्मल पॉलिशिंग कराई गई है जिसमें आपको लुक दिख रहा होगा। और ये जो ब्लैक लाइनिंग आपको दिख रहा है ये ग्रेनाइट का 2 सूत से बना हुआ होता है और मोस्टली डिज़ाइंस और सिंपल डिज़ाइंस देने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये कॉस्टली भी कम होती है और इसकी लुकिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये मकराना मटेरियल की फ्लोरिंग है और मैं बाना मार्बल से बोल रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि ये सिंपल ब्लैक लाइनिंग कितनी अच्छी लगती है। उसके बाद अपन बात करते हैं जो फ्लोरिंग पे लगा हुआ है, जो ये क्रॉस पैटर्न के आप अंदर जो मटेरियल देख रहे हो ये चकडूंगरी की ही जो स्टार्टिंग प्राइस है 100 rupees उसके अंदर जो मटेरियल आता है वाइटनेस में वो मटेरियल है। और जो मटेरियल है ये कंप्लीट अप्रोक्स आज से 6 साल पहले लगा हुआ है और इसमें वाइटनेस हमेशा बढ़ी है। मकराना मार्बल की वाइटनेस हमेशा बढ़ती है, क्वालिटी हमेशा इम्प्रूव होती है लगाने के बाद। जैसा कि आप देख पा रहे हुए जो ये बॉर्डर डिज़ाइन दी गई है इसकी जो मोटाई है वो 1.5 inches है। इसके अंदर ब्लैक ग्रेनाइट, रेड ग्रेनाइट और मार्बल के जो मटेरियल यूज़ लेके ये डिज़ाइंस क्रिएट की गई है। ये डिज़ाइंस भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, आपको चाहिए जितनी भी। उसके बाद जो आपको इसके अंदर वाइट वाइट लाइंस दिख रही होगी फ्लोरिंग के अंदर, ये मकराना मार्बल में एक क्वालिटी मान सकते हो भरन जिसे बोला जाता है, वो मोस्टली मकराना मार्बल के अंदर मिलेगा। अब आपको ये भी डिज़ाइंस दिख रही होगी जो कट पीस के पास लगाई गई है और ये कट पीस जो है ये डूंगरी क्वालिटी के लगाए गए हैं। ये सारे कट पीस ओनली मकराना क्वालिटी के हैं, इनमें कोई भी पीस आउट ऑफ मकराना क्वालिटी का नहीं है। और अगर आप भी परचेज़ करोगे तो आपको भी ओनली मकराना ही क्वालिटी के कट पीस दिए जाएंगे, उसमें एक भी पीस अदर क्वालिटीज़ का आपको नहीं मिलेगा। आपको ओनली मकराना मटेरियल ही डिलीवर किया जाएगा अगर आप हमसे परचेस करते हो तो। ये मटेरियल के अंदर ब्लैक लाइनिंग का भी इस्तेमाल दिया गया है और अलग अलग क्वालिटीज़ का यूज़ लिया गया है। अब हम बात करते हैं इसी क्वालिटी के अंदर जो अंदर मटेरियल लगा हुआ है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये भी क्रॉस पैटर्न के अंदर बोल सकते हो, बट इसके अंदर थोड़ा सा यूनिक पैटर्न बनता है। बॉर्डर दोनों में सेम यूज़ ली गई है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, बाकी क्वालिटी वही है, वाइटनेस आपके सामने दिख रही है वही है, क्योंकि दोनों एक ही माइंस का मटेरियल है। अब दोनों में जो चेंजेस है वो ओनली फिगर का है। और ये जो मटेरियल लगा हुआ है ऐसा मटेरियल इनके घर के अलावा किसी भी घर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। मकराना मार्बल की यही खासियत है, अगर आपके घर में जो क्वालिटी और जो पैटर्न लगा हुआ है क्वालिटी मिल सकती है, बट उस टाइप में उस लुकिंग का सेम मटेरियल आपको किसी अदर घर के अंदर मिलना मुश्किल है। तो ये यूनिक भी रहता है। स्टेयर्स की अपन बात करें तो इसमें भी चकडूंगरी की जो स्टार्टिंग रेंज का मटेरियल है वो लगाया हुआ है। वाइटनेस आप देख सकते हो अभी भी ख़राब नहीं हुई है और ना ही इसमें कोई क्रेक है, ना ही इसके अंदर कोई भी पीस पीला पड़ा है। वाइटनेस आपको कितनी क्लियर दिख रही है। और इसमें भी ब्लैक लाइनिंग जो मैं बता रहा था 2 सूत की ग्रेनाइट का यूज़ लिया गया है, क्योंकि ये सिंपल और सोबर लुक देता है और हमेशा चमकता रहता है। और जो आप देख रहे हैं अब मैं आपको कंप्लीट स्टेयर्स दिखा चुका हूँ। तो चलिए अपन बात करते हैं जो इनके छत के ऊपर जो मटेरियल लगाया हुआ है। इन्होंने जो छत के ऊपर जो मटेरियल लगाया हुआ है वो मटेरियल कट साइज के अंदर है और वो मटेरियल विदाउट पॉलिश में है। आप देख सकते हो कि ये पॉलिश नहीं किया गया है क्योंकि छत के ऊपर पॉलिशिंग की ज़रूरी नहीं होता। अब ये लगाने के बाद इन पे कभी भी कोई भी सीम नहीं आएगी घर के अंदर, ना ही कोई इशू है। तो अगर आपको मकराना मार्बल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या क्वालिटीज़ में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, हमारा मटेरियल ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।